दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। शिमला में ग्रीष्मोत्सव 15 जून से शुरू हो गया है। वहीं इस उत्सव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है और हिमाचल की संस्कृति को दर्शाना है। वहीं पर्यटक इस कार्यक्रम का खूब लुफ्त उठाते नजर आ रहे हैं। ये बात शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कही। शिमला का समर फेस्टिवल इंटरनेशनल फेस्टिवल का इसको उपाधि मिली है और देश विदेश से इसको इसका इस फेस्टिवल का नाम है। और ख़ासकर शिमला में जब कोई फेस्टिवल होता है तो उसका महत्व जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज ये यहाँ आज से शुरुआत हो रही, शाम को माननीय राज्यपाल महोदय ने उसका शुभारम्भ करना है और इवनिंग में यहाँ से उद्घाटन करेंगे। और आज ये जो आपने ये हमारा जो ट्रेडिशनल नृत्य है ठोटा, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन युवा और खेल की तरफ से जो स्पोर्ट्स क्लब है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस, उनके सौजन्य से जिला प्रशासन के सहयोग से, और मैं जो सुबह इनके उनका इवेंट था, हमारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी इन्होंने रखी थी, वहाँ भी मैं गया था और वहीं से होकर के आए थे यहाँ अपना कल्चर, अपना नृत्य को दिखाने के लिए कि हमारा हिमाचल में इस तरह का कल्चर है, उसको प्रमोट करना। और आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे टूरिस्ट जो पर्यटक बाहर से आए हुए, उसने इन चीज़ को बहुत इन्जॉय भी किया। और ये दिखाने का प्रयास ये रहता है कि हमारा जो टूरिज्म को उससे बढ़ावा मिलता है और हमारे अपने कल्चर को दिखाने का, उसका रहन सहन का, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जाता है और जिसको लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और ये स्पोर्ट में बधाई देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को भी और इनको सब पूरे प्रशासन को, जिन्होंने इस प्रस्तुति का आज समर फेस्टिवल के आयोजन शुभारंभ पे इस कार्यक्रम को किया। सर, टूरिज्म और आर्थिक दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है स्थानीय कारोबारियों के लिए भी इस तरह के आयोजन यहाँ? देखिए, आपने देखा होगा, मैंने विंटर कार्निवाल में एक हमने प्रयास किया था लास्ट पिछले साल भी, इसका बहुत बड़ा महत्व होता। आप किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश का, उसका कल्चर, उसका संस्कृति को दिखाना एक बहुत बड़ा, उसको उसके बारे में बताना, उसका कल्चर को लोग बड़ा पसंद करते हैं इस चीज़ को, उसका खान पान कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उससे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलता है। और एक स्वागत के तौर पे हमने इसको लिया, जैसे अब ये आम जो पर्यटक आ रहे हैं बाहर से, उनका एक तरह से एक वेलकम भी है। हम उनको शिमला में और हिमाचल प्रदेश में उसका स्वागत कर रहे हैं। आप अपने ट्रेडिशनल वाद्य यंत्रों के द्वारा, ये सारा एक हमारे देव संस्कृति का एक हिस्सा है। और हमारा जो हिमाचल में वैसे भी देव संस्कृति और अतिथि देवो भव का हमारी संस्कृति है, उसके उसी संदर्भ में हम जब भी किसी फंक्शन में और त्यौहार में या फेस्टिवल में मेहमान नवाजी के लिए जाते हैं तो एक ये वाद्य यंत्रों का हमारे यहाँ एक रिवाज भी है, उसी संदर्भ में हमने इस कार्य को किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।